ऑर्डर है। क्या बात, आतिथ्य तो रोज आएंगे लेकिन इनका आना कुछ मोहब्बत की एक शान बनकर, वफा और मोहब्बत की एक शान बनकर, नेकी उजाला ईमान बनकर, निकाल करके साकी दिल से कदूरत, जियो जमाने में इंसान बनकर। क्या पूरी शिक्षक अपने जिम्मेवारी से निष्ठापूर्वक बच्चों को अपना विद्या अध्ययन दें, उनको सिखावें, यही निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। निष्ठा होना बहुत जरूरी है। चाहे चूंकि शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि हम जो काम करते हैं सरयाम करते हैं, लेके पीरे मूंगा का नाम करते हैं, हम मोमिन नहीं साकी जो करे बुत खाने को सजदे, हम वो काफिर है जिन्हें कावे सलाम करते हैं, जिन्हें कावे सलाम करते हैं। न पूछो फूल और कलियों से, न पूछो फूल और कलियों से क्या महराज बनते हैं, वतन की शान बनते हैं, वफा की लाज बनते हैं, और जो झड़ जाते हैं डाली से कोई कीमत नहीं है उनकी, और जिन्हें खुद बागवा तोड़े वो सर के ताज बनते हैं। अदा पर नाच पर हर आदमी कुर्बान होता है, अदा पर नाच पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही जाए। अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाते रहिए, राह में आए बाधों को हटाते रहिए, कोई जागे या न जागे उसका मुकद्दर आपका फर्ज है। आवाज लगा इन पे कहना हम शुरू कहाँ से करें, इन पे कहना हम शुरू कहाँ से करें, है शख्स ऐसे की तारीफ इनकी जुबान से करें। जरूरत नहीं देखी दुनिया को, मोहब्बत की जरूरत नहीं देखी, क्या वतन की कश्ती को पार करेगा कि खुद जिसमें समुद्र की सूरत देखी। ही चाहेंगे कि इतना ही शॉर्ट में कि आया खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, आया खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे बीओ साहब को सलामत। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी, आप देख रहे हैं मगध संवाद। औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड में इन दिनों शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। यह निष्ठा प्रशिक्षण यूं कहा जाए कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण है। इस पर मगध संवाद की खास रिपोर्ट, पूरी वीडियो को अवश्य देखें। निष्ठा कब क्यों कैसे इसे समझना जरूरी है, इस रिपोर्ट में आप जानें। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के लगभग 42 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय पहल। अपनी विस्तृत पहुंच के साथ संभवतः निष्ठा है संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। निष्ठा में स्कूल प्रमुख भी अपनी नेतृत्व क्षमता निखार सकेंगे और सुनिश्चित करेंगे बच्चों में व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास। प्रशिक्षण से शिक्षक छात्रों में रचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए होंगे प्रेरित और सक्षम। उनमें विकसित होगी शुरुआती परामर्शदाता बनने की प्रतिभा, जिसमें शामिल होगी पॉक्सो और RPWD एक्ट की जानकारी। रटने वाली विधियों से हटकर शिक्षक बनाएंगे अपने शिक्षण को तनाव रहित, रोचक और आनंददायी। साथ ही कर पाएंगे विभिन्न विषयों में ICT कला समेकित एवं दक्षता आधारित शिक्षण, जिससे बेहतर होंगे विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम्स। निष्ठा में मिलेगी समग्र शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की समझ भी, जैसे योग और स्वास्थ्य, यूथ व इको क्लब, खेल कूद सामग्री, स्कूल अनुदान और पुस्तकालय इत्यादि। प्रशिक्षण के तहत शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NCERT, नीपा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, CBSE, यूनिसेफ तथा अन्य संस्थाओं के लगभग 120 विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। साथ ही होंगे देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के SCERT, DIED, BRC, CRC के लगभग 33,000 प्रशिक्षक और 42 लाख शिक्षक भी, जो देंगे शिक्षकों को बहुउद्देशीय, बहुआयामी और समेकित प्रशिक्षण। निष्ठा में उपलब्ध होगा एक विश्वसनीय पोर्टल और मोबाइल ऐप, जो उपलब्ध कराएगा गुणवत्तापूर्ण ई सामग्री, प्रशिक्षण से जुड़ी सभी जानकारी। इसमें शिक्षक साझा करेंगे अपने अनुभव कि कैसे प्रशिक्षण के बाद वे दे रहे हैं बाल केंद्रित अधिगम को अंजाम। तो आइए जुड़ें निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा से।
जाती है, सावन का आना कुछ और है। क्या बात, अतिथि तो रोज आएंगे लेकिन इनका आना कुछ और है। मोहब्बत की एक शान बनकर, वफा और मोहब्बत की एक शान बनकर, नेकी उजाला ईमान बनकर, निकाल कर के साकी दिल से कदूरत, जियो जमाने में इंसान बनकर। क्या निष्ठा ट्रेनिंग को मैं इस रूप में लेता हूँ कि मैंने पूरे स्टेट से जो ट्रेनिंग लेकर के एसआरजी और केआरपी आए हैं, पूरी शिक्षक अपने जिम्मेवारी से निष्ठापूर्वक बच्चों को अपना विद्या अध्ययन दें, उनको सिखावें, यही निष्ठा प्रशिक्षण का उद्देश्य है। निष्ठा होना बहुत जरूरी है। शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? शिक्षकों से अपेक्षा में पूरी अपेक्षा है, क्योंकि शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि हम जो काम करते हैं सरेआम करते हैं, लेके पीरे मूंगा का नाम करते हैं, हम मोमिन नहीं साकी जो करे बुतखाने को सजदे, हम वो काफिर है जिन्हें काबे सलाम करते हैं, जिन्हें काबे सलाम करते हैं। ये शिक्षक की मर्यादा है, इसलिए शिक्षक के आगे सब झुकते हैं। आपके लिए खास संदेश सर, शिक्षकों के लिए संदेश यही है कि प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने विद्यालय में जाएं और बच्चों को इतना मैंने पूरे मैंने चार्ज कर दें निष्ठा पूर्वक कि बच्चे भी इनका नाम लें और बच्चे देश का नाम रोशन करें। सर न पूछो फूल और कलियों से, न पूछो फूल और कलियों से क्या महाराज बनते हैं, वतन की शान बनते हैं, वफा की लाज बनते हैं, और जो झड़ जाते हैं डाली से कोई कीमत नहीं है उनकी, जिन्हें खुद बागवा तोड़े वो सर के ताज बनते हैं। अदा पर नाच पर हर आदमी कुर्बान होता है, अदा पर नाच पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही जाए। उल्फत कोई दीप जलाया होता, अब मोहब्बत करके गुलिस्तान में कोई फूल खिलाया होता, भाखरा और नंगल जैसे कई डैंक बनाने वालों, और जज्बा नफरत में कोई बांध बनाया होता। सर के लिए अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाते रहिए, राह में आए बाधों को हटाते रहिए, कोई जागे या न जागे उसका मुकद्दर आपका फर्ज है, आवाज लगा। इन पे गाना हम शुरू कहाँ से करें? है शख्स ऐसे कि तारीफ इनकी जुबान से करें कि नजर को हमने नजर से एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, और नजर जो पहुंची नजर तक उनकी नजर छुड़ाते नजर को रोका। वो जिधर देख रहे हैं, वो जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर पढ़ रहे थे दूसरों का खत, पढ़ रहे थे दूसरों का खत, पूछा तो अखबार का पन्ना है, खबर देख रहे हैं। कदरत नहीं देखी दुनिया को, मोहब्बत की जरूरत नहीं देखी, क्या वतन की कश्ती को पार करेगा कि खुद जिसमें समुद्र की कहना ये चाहेंगे कि इतना ही शॉर्ट में कि अय खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना। वाह वाह, अय खुदा तेरी अदालत में मेरी एक जमानत रखना, मैं रहूं या ना रहूं मेरे बीओ साहब को सलामत। वाह वाह, क्या बात, सर निष्ठा ट्रेनिंग क्या है? निष्ठा ट्रेनिंग एक केंद्रीय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें आईसीटी के द्वारा बच्चों को माने शिक्षण में, अधिगम में और आकलन में, तीनों चीज में आईसीटी का प्रयोग करना है, यही इसका। आज के परिवेश में क्या बिहार में शिक्षा पद्धति के साथ कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि आईसीटी एक ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ उसका छोटा सा माने डिवाइस जो एंड्रॉयड मोबाइल है और सबों के पास है, तो निष्ठा का अपना वेबसाइट नंबर है, उसका मोबाइल ऐप है, उससे भी डाउनलोड कर करके हम लोग अपने सीखेंगे और उसके बाद बच्चों को सिखाएंगे। आप एक प्रशिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा बस वही है कि हम सभी शिक्षक हैं, मैं प्रशिक्षक से पहले एक शिक्षक हूँ, और मेरा ये उद्देश्य है कि हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ हैं शिक्षा का अलग जगह है, बस यही हमारी प्रार्थना होगी। निष्ठा को आप किस रूप में लेते हैं सर? यह एक शिक्षकों को जागृत करने की प्रक्रिया है, आईसीटी के माध्यम से बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई कर सके, और शिक्षक जो है अब नियमित रूप से और शैक्षणिक भाव में जाकर के बच्चों को शिक्षण देंगे, और निष्ठा से हमें बहुत खुशी मिली है कि आज हम एक पूर्ण रूप से शिक्षक बनने का काम किए हैं।